बिहार ग्लेनिल स्कूल के वार्षिकोत्सव में बच्चों ने मचाई धूम। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे अभिनेता शहबाज खान। जी हां, खबर चुनार से है, जहां चुनार के रामबाग रोड स्थित ग्लेनिल स्कूल का वार्षिकोत्सव मनाया गया, जिसमें कई टीवी सीरियल और फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभा चुके अभिनेता शहबाज खान बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। इतना खूबसूरत बच्चों का परफॉर्मेंस देखा, खुशी इतनी हुई। इतने प्यारे प्यारे बच्चे मेहनत के साथ। मैं तमाम टीचर्स को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि इतनी मेहनत से आप लोगों ने बच्चे और उनके पेरेंट्स सब यहां मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आप लोग, एक कहावत है जिसका मतलब है, एजुकेशन इज अ फ्रेंड फॉर योर लाइफ, फॉर योर एंटायर लाइफ। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि जितनी हो सके शिक्षा प्राप्त कीजिए। एजुकेशन जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, आपके देश के लिए, हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। ग्रेट कंट्री इंडिया। तो मैं, और एजुकेशन ही आपको जिंदगी में रास्ता दिखाएगा कि आपको कहाँ जाना है। एजुकेशन ही आपको सिखाएगा कि किस तरह अपने टीचर्स और अपने बड़ों की इज्जत करनी है, अपने माँ बाप की इज्जत करनी है। एजुकेशन ही आपको सिखाएगा कि आप किस तरह अपने देश के प्रति एक अच्छे नागरिक बनकर अपना कर्तव्य, अपना फर्ज निभाएंगे। तो एजुकेशन में किसी तरह की कभी कोताही मत करना बच्चों, क्योंकि सच्चाई यही है कि हमारे देश में शिक्षा की कमी है, और उस कमी को आप अच्छे से पढ़ लिख कर पूरा कर सकते हैं। मैं तमाम पेरेंट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं जिनके बच्चे यहां पर परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। एंटायर टीम ग्लेन हिल स्कूल के, हमारे आफताब अहमद साहब बबलू, इनसे मैं कह रहा था कि मेरा भी नाम बचपन में बबलू ही था। पहले के जमाने में, हमारे जमाने में ये हुआ करता था कि, आपको बता दें कि स्कूल के इस वार्षिकोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथियों शहबाज खान और चुनार नगर अध्यक्ष मंसूर अहमद द्वारा दीप प्रज्वलन करने के बाद किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों का माल्यार्पण, अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान। सजदा खुशियों से भरी महफिल का हम आगाज करते हैं। चेयरमैन चुनार नगर पालिका परिषद। सर, आप आज ग्लेन हिल स्कूल के एनुअल फंक्शन में आए हैं, तो कैसा लगा और बच्चों के भविष्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ जिस तरीके से यहाँ का माहौल देखा गया, बच्चों का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि अनुशासन और शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ बहुत अच्छी तरीके से उसकी देखभाल करते हैं, बच्चों पर ध्यान रखते हैं, और हम चाहेंगे कि दिन प्रतिदिन ये विद्यालय तरक्की करे। एक और जहां कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार के नृत्य प्रस्तुत किए गए, तो वहीं दूसरी ओर बच्चों ने नाटक प्रस्तुत कर लोगों को प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करने और मोबाइल का बच्चों पर दुष्प्रभाव को लेकर वहां उपस्थित अभिभावकों को जागरूक करने का प्रयास किया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अभिनेता शहबाज खान ने बच्चों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि जितनी हो सके जीवन में शिक्षा प्राप्त कीजिए, क्योंकि शिक्षा जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इस दौरान अभिनेता ने सभी के लिए अपने टीवी सीरियल चंद्रकांता का टाइटल सॉन्ग। वो मेरा चंद्रकांता सीरियल तो बच्चों ने देखा नहीं होगा, उसमें गाना होता था चंद्रकांता की कहानी ये माना है। आपको बताते चले कि इस पूरे कार्यक्रम का संचालन स्वाति पांडे और रेणुका पांडे के नेतृत्व में किया गया, वहीं कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन निमिषा अग्रवाल ने किया। आपको बता दें कि इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों समेत स्कूल के चेयरमैन, डायरेक्टर, प्रधानाचार्य समेत स्कूल के शिक्षक, बच्चे और अभिभावक समेत सैकड़ों की संख्या में अन्य आदि लोग। विद्यालय में बच्चों का वार्षिकोत्सव आयोजित किया गया था, क्योंकि बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए इस तरह के प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी होता है। आज हमारे यहाँ बॉलीवुड एक्टर शाहबाज खान, कई जो है बड़ी बड़ी हस्तियाँ हमारे विद्यालय में उपस्थित रही, मैं उनके उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हम लोगों का जो फंडा है पढ़ाई का वो अलग हट के, बच्चे कभी भी दबाव में पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, उनको उनके संपूर्ण विकास के लिए दबाव मुक्त शिक्षा उनको देने की आज की आवश्यकता है, क्योंकि आज का कोई ऐसा समय नहीं है कि मैथ साइंस पढ़ लेने से ही बच्चे अच्छे रोजगार पा सकते, तमाम ऐसे रास्ते हैं जिनको पढ़ के जो बच्चे अच्छे रास्ते पर जा सकते हैं। शिवानी शाह की रिपोर्ट।